ଅପରେସନ୍ ଦୋସ୍ତର ଯବାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତୁର୍କୀ ଓ ସିରିଆ ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଭୂକମ୍ପ ପରେ ଭାରତରୁ 60 ଜଣ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ସହିତ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ତୁର୍କୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହିଣ୍ଡନ୍ ଏୟାରବେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। और यहां तक कि हमारे बेजुबान दोस्तों डॉग स्क्वाड्स के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। आप सभी पर देश को बहुत गर्व है। साथियों, तुर्की हो या फिर सीरिया हो, पूरी टीम ने इन्हीं भारतीय संस्कारों का एक प्रकार से प्रगटीकरण किया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ऐसे में परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर कोई संकट आए तो भारत का धर्म है, भारत का कर्तव्य है उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। पूरे 10 दिनों तक जिस प्रकार आपने पूरी निष्ठा से वहां हर चुनौती का सामना करते हुए काम किया, वो वाकई प्रेरणादायक है। हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं जब एक मां आपका माथा चूम करके आशीर्वाद दे रही है, जब मलबे के नीचे दबी मासूम जिंदगी आपके प्रयासों से फिर खिलखिला उठी, मलबे के बीच एक तरह से आप भी वहां मौत से मुकाबला कर रहे थे। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वहां से आने वाली हर तस्वीर के साथ पूरा देश गर्व से भर रहा था। वहां गई भारतीय टीम ने प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं का भी जो समावेश किया है वो अतुलनीय है।